हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम होम और इंसर्ट को कवर कर चुके थे। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट। पेज लेआउट का यूज़ बेसिकली एमएस वर्ड में हम पेज की सेटिंग करने के लिए करते हैं, चाहे वो मार्जिन की बात की जाए, कलर की बात की जाए, वाटरमार्क की बात की जाए। तो पेज की जितनी भी सेटिंग होती है ये हमारे पेज लेआउट मेन्यू बार से होती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ पैराग्राफ ला देते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन ऑप्शन को। तो यहाँ से पे सबसे पहले दिया है यहाँ पे थीम्स। तो थीम्स यहाँ पे देखिए, जितना भी ओवरऑल जितना भी पैराग्राफ या जितना भी मैटर या कंटेंट हमारे पेज पे लिखा गया है, इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा है। ऑल टू ऑल देखिए, यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो पेज पे लिखे गए सारे टेक्स्ट को एक साथ ये फॉर्मेट करता है। यहाँ बने बनाए कुछ यहाँ पे बुल्ड दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद बिल्कुल सेम ऐसा ही है यहाँ पे फॉन्ट, ओवरऑल यही भी पेज पर जितना भी मैटर रहेगा सबके फॉन्ट को एक साथ ही चेंज करेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जो हमारे लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में एंड बॉटम एंड टॉप में हमारा जो जगह छूटा रहता है ना, वही हमारा होता है मार्जिन। यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे स्क्रॉल बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास मार्जिन इतना है, इधर इतना है, इधर इतना है, और नीचे तो हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास मैटर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ज़्यादा मैटर लिख लिया, यहाँ पे 99 कर देते हैं, जिससे हमारे पेज की भी संख्या बढ़ जाएगी और हमारा मैटर भी ढेर सारा टाइप हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से डिसाइड करना है कि आप पेज के मार्जिन को कितना रखना चाहते हो। तो यहाँ पर कुछ बने बनाए मार्जिन दिए हैं और कुछ आप कस्टम मार्जिन को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, नैरो यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 0.5 इंचेस का यहाँ पे मार्जिन दिया गया है। तो यहाँ देखिए बहुत ही कम मार्जिन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वाइड दिया गया है आपका, जो आपका ज़्यादा मार्जिन है। जैसे अगर बाइंडिंग की बात की जाए तो हमारे लेफ्ट साइड में ज़्यादा मार्जिन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रख सकते हो मार्जिन, ठीक है। अगर आपको खुद से सेट करना है मार्जिन को तो यहाँ कस्टम मार्जिन में चले जाइए। आपको टॉप से कितना रखना है, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जितना भी आपको रखना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.1 इंचेस और यहाँ पे बॉटम में मैंने बस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ओके कर दीजिएगा। देखिए हमारे टॉप में यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा आ चुका है। अगर आपको हेडिंग वगैरह डालना है तो यहाँ पे आप टॉप में मार्जिन ज़्यादा ले सकते हो, या हो सकता है यहाँ पे आपको बाइंडिंग करानी है इस तरीके से, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप यहाँ पे प्लेस छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने मार्जिन को यहाँ से डिसाइड करके सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज को आप किस तरह प्रिंट आउट करना चाहते हो, तो उसका ओरिएंटेशन सेट करने के बाद ही हम मैटर को टाइप करते हैं। एक्चुअली आप मैटर को टाइप करके बाद में भी इसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ दो टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। जब हमारा जो पेज होता है वो वर्टिकल होता है तो हम उसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। यदि आपका पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोला जाता है लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि पूछा जाए एमएस वर्ड में पेज किस तरह से होता है, तो वो हमारा पोर्ट्रेट में होता है। यदि हम बात करेंगे अगर पावर पॉइंट की इन फ्यूचर, तो वहाँ पे वो स्लाइड हमारा लैंडस्केप मोड में होता है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट है। यदि आपको लैंडस्केप करना है यानी हॉरिजॉन्टल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए हमारा पेजेस हॉरिजॉन्टल में आ गया है। तो यहाँ पर आप रख सकते हो, यहाँ डिसाइड कर सकते हो ओरिएंटेशन आपको कैसे चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है साइज़। किसका साइज़? पेज की साइज़। आप किस पेज पर प्रिंट आउट करना चाहते हो, यहाँ पे उस पेज को डिसाइड करने के बाद मैटर टाइप कर सकते हो, या फिर बाद में भी इसका पेज को आप यहाँ पे इसकी साइज़ को डिसाइड कर सकते हो। तो जो हम लोग नॉर्मली जो पेज प्रिंट आउट करते हैं ना, जो हमारा छोटा वाला पेज होता है, वो हमारे उस पेज की साइज़ होती है A4। तो यहाँ पर A4 पेज ले लिया। तो जिस भी पेज पर आपको प्रिंट आउट करना है, यहाँ से उस पेज का जो भी आपका कस्टम साइज़ है यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए
यहाँ पे आते हैं कॉलम, ये आपका बड़े क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में देखा जाता है कि जो आपका मैटर होता है वो कॉलम वाइज में दो या तीन सेक्शंस में बटे दिखते हैं। तो यहाँ देखिए वन रो बाय डिफ़ॉल्ट वन कॉलम में ही रहता है, टू कॉलम में। इस तरह से आपको मैटर डिसाइड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ ना तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, ना कि ऐसे ऐसे नहीं चलता, आपका लेफ्ट से राइट नहीं चलता, ये आपका सीरीज़ में चलता है यहाँ टॉप से बॉटम तक। जब आपका बॉटम में ख़त्म होगा तो ये आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देगा। तो यदि आपको थ्री लाइन में करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। होता है क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में इस तरह के दिए रहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि पूछा जाए कॉलम कितने में होता है तो वो वन में ही होता है। यहाँ होता है, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन ब्रेक का। यदि आपको यहाँ पे मे बी आपको यहाँ पे कुछ टेबल ड्रॉ किए रहना था या फिर कोई कोई ग्राफ वगैरह बनाना था, आपने यहाँ पे प्लेस नहीं छोड़ा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक कर देना है पेज को, जिससे क्या होगा जितना आपका जहाँ पे आपने कर्सर रखा है वहाँ से नीचे का पेज आपका यहाँ पे खाली हो जाएगा और जितना भी मैटर था वो आपके नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पे लाइन नंबरिंग। यहाँ पे यदि आपको लाइन की नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, नन लिखा हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन की नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ देखिए आपका कंटिन्यूस यहाँ पे लाइन की नंबरिंग किया हुआ है। ज़्यादा यूज़ तो इसका कोई होता नहीं है, लाइन की नंबरिंग हो सकता है कोई लिमिटेशन दिया हो कि हाँ इतनी लाइन्स में हमें चाहिए तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रीस्टार्ट इस पेज, जो लाइन की नंबरिंग रहेंगे वो हर एक पेज पर न्यू नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्टार्ट इस सेक्शन, यहाँ पे वही बात हो गई, आपका कंटिन्यूस टाइप्स में ही दिया रहता है। यदि आपके पेजेस सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे तो वो आपका सेक्शंस में वन से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि सेक्शंस कैसे बनता है। तो फिलहाल हम इस पे ही कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पे फिर आता है हाइफिनेशंस। हाइफिनेशंस एक मार्क होता है जब भी हमारा वर्ड बड़ा हो जाता है। पहले हम यहाँ लाइन नंबरिंग को नन कर देते हैं। जब भी हमारा वर्ड बड़ा हो जाता है तो वो नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसमें यहाँ पे देखिए नन लगा हुआ है, यहाँ ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूज लिखा हुआ है, ई चूजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आईएनजी के लिए प्लेस नहीं था इसलिए यहाँ पे हाइफिन मार्क लगा के यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये आप अगर ऑटोमेटिक कीजिएगा तो अपने प्लेस के अकॉर्डिंग ये हाइफिन मार्क को शेड कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाटरमार्क। कोई भी हमारे मैटर को कॉपी ना कर सके इसलिए हम यूज़ करते हैं वाटरमार्क को। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ बने बनाए दिए हैं, यहाँ पे दिया है कॉन्फिडेंशियल्स, यहाँ पे डू नॉट कॉपी कुछ बने बनाए हैं, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ तो नहीं करते, हम लोग खुद का वाटरमार्क बनाते हैं भाई। चलिए यहाँ पे दिया है कस्टम वाटरमार्क। तो वाटरमार्क हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक पिक्चर्स वाला यूज़ कर सकते हैं, एक टेक्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं टेक्स्ट वाला वाटरमार्क। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपको क्या रखना है, यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिए, आपको टेक्स्ट में क्या लिखना है वो आप यहाँ पे वर्ड लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज्ञान एडू वर्ल्ड। इसके बाद फॉन्ट आपको क्या स्टाइल रखना है, यहाँ पे कुछ फॉन्ट का स्टाइल दिया गया है, यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे साइज़ आप रख सकते हो, यहाँ 48 रख देते हैं। यहाँ पे वाटरमार्क का जो कलर है यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ हम रेड रख देते हैं। डायगोनल मीन्स होता है कॉर्नर टू कॉर्नर जो आपका लेआउट रहेगा, और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट की ओर रहेगा। तो डायगोनल कर लेते हैं पहले हम, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है वाटरमार्क। एक पेज पे आप वाटरमार्क अप्लाई करोगे ये आपके सारे पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसकी साइज़ को आपको बढ़ाना है तो वहाँ से बढ़ा सकते हो, यदि आपको लेफ्ट से राइट की ओर करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल करके अप्लाई करके ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। ज़्यादातर हमारा यूज़ इसमें डायगोनल ही होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर ही होता है, योर चॉइस कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऊपर दिया है वाटर पिक्चर वाटरमार्क, तो आप इस पे पिक्चर्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास पता नहीं पिक्चर है या नहीं, देखते हैं। सेलेक्ट पिक्चर करते हैं भाई, यहाँ पे कोई पिक्चर्स मिल जाए, डेस्कटॉप कोई तो पिक्चर होगा। चलिए ये है हमारे पास प्रेजेंटेशन का बना हुआ है, इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम वॉइस आउट पे क्लिक रखते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही हल्का सा वाटरमार्क आया है। एक्चुअली हम वॉइस आउट ही यूज़ करते हैं ताकि जब हम प्रिंट आउट कराएं तो वाटरमार्क जो हो वो ब्लैक ना आए। अगर हम यहाँ पे वॉइस आउट को अनचेक करके अप्लाई कर देते हैं, देखिए इस तरह डार्क आ जा रहा है,
जिससे हम फॉन्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम वॉइस आउट पे ही करते हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर्स भी अप्लाई कर सकते हो एज अ वॉटरमार्क। चलिए, यहाँ पे यदि आपको वॉटरमार्क को हटाना है तो यहाँ रिमूव वॉटरमार्क पे क्लिक करिएगा, जितना भी वॉटरमार्क लगा रहेगा वो आपका हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज कलर। यहाँ पे आपको पेज को कलर करना है तो यहाँ से पेज को कलर कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे पेज कलर अप्लाई करने पे ये प्रिंट में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, ये देखिए वाइट ही आया हुआ है। तो बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगी कि कैसे आप पेज पर पेज कलर अप्लाई करके उसको प्रिंट आउट में भी ला सकते हो, तो ये आपका नॉर्मली अभी आपको सीखना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि क्या पेज कलर को अप्लाई करने के बाद वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखता है, तो नहीं, कॉज नॉट, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको कलर पसंद नहीं आता है, या फिर पहले देखते हैं कलर लगा हुआ है आपको हटाना है, तो यहाँ नो कलर कर दीजिएगा, मोर कलर कीजिएगा, तो यहाँ पे कलर यहाँ पे देगा आपको जो भी आपको कलर पसंद है, या यहाँ पे डायमीटर द्वारा कम ज़्यादा करके कलर को बैलेंस करके आप ओके करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कुछ बहुत सारे फील्स इफेक्ट दिए गए हैं जो आप पेज पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम फील इफेक्ट पे आते हैं, तो यहाँ दिया है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स होता है कलर को मिक्सअप करके, यहाँ पे देगा दो कलर को आप मिक्सअप कर सकते हो, ठीक है। वन कलर आपका एक ही कलर देगा जो आप नॉर्मली अप्लाई करते हो। टू कलर, तो यहाँ पे टू कलर दे दो, यहाँ पे आपको रेड के साथ क्या अच्छा लगेगा, भाई पिंक है, सॉरी यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे येल्लो, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे अप्लाई कर सकते हो दो कलर, और यहाँ पे प्री सेट, यहाँ कुछ बने बनाए हैं, अर्ली सेट का, लेट सेट का, और यहाँ पे नाइट फॉल का, डे बाक, हॉरिजन और डेजर्ट, कुछ ऐसे बने बनाए कलर हैं। तो यदि आपको इस तरह से अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली इसमें जब भी हम पेज पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट कलर होता है ना, थोड़ा सा लाइट रहेगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर वाइट रहे तो ज़्यादा बेटर आपका हाईलाइट होता है टेक्स्ट। आपकी मर्जी, आप कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे कलर रखना चाहते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर टेक्स्चर। टेक्स्चर यहाँ पे कुछ बने बनाए, यहाँ पे स्टोन्स पत्थर दिए रहते हैं, यदि आपको इसमें अप्लाई करना है पेज पर तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली हम ये लाइट कलर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, कंट्रोल बी, देखिए अब हाईलाइट होकर आ रहा है, कलर वेलर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होम पे जाके थोड़ा सा आप कलर जब चेंज करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर को सेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे फील इफेक्ट में आते हैं, यहाँ पे दिया है पैटर्न। यदि आपको पैटर्न कुछ बने बनाए दिए हैं आप अप्लाई करना है तो यहाँ कर सकते हो। फोरग्राउंड, यहाँ पे फोरग्राउंड का कलर ले लो जो भी आपको लेना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया रेड, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का जो कलर लेना है यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे मैंने ले लिया ग्रीन, ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ओल्ड हो गया, चलिए वैसे पसंद की बात है। तो यहाँ पे हमने ये वाला अप्लाई कर दिया, ओके कर देते हैं, देखिए ये ब्लॉक ब्लॉक टाइप में आ गया। चलिए यहाँ पे हम कुछ और कलर अप्लाई करते हैं, ज़्यादा मज़ा नहीं आया ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कलर्स ले लिया, और यहाँ पे पैटर्न आप चेंज कर लो जो भी आपको पैटर्न पसंद है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा ईट जैसा लगाया हुआ है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट कलर को जब आप चेंज करोगे तो कुछ मज़ेदार और हाईलाइट होकर आएगा, कुछ अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से नहीं देख रहा है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऊपर है आप कितना बेहतर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, है ना। यहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, फॉन्ट कलर आप अच्छे से सेट करोगे तो अच्छा ही लगेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं पेज बॉर्डर। तो चलिए हम पहले नॉर्मली कलर कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छे से दिखे, देखिए इससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। वैसे जब भी आप पैटर्न अप्लाई करो या फिर यहाँ पे पैटर्न अप्लाई करो, टेक्स्चर अप्लाई करो पिक्चर, तो आपका जो कलर है ना वो आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से टेक्स्ट नहीं दिखता है, तो कलर बैलेंस करके रखिएगा तो बहुत मज़ेदार पेज आपको दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे है आपका पेज बॉर्डर। यदि आपको पेज पर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको किस तरह का बॉर्डर लगाना है, यहाँ पे कुछ बने बनाए दिए रखे हैं। आपको पेज के बॉर्डर का लाइन स्टाइल क्या चाहिए, तो यहाँ से आप लाइन स्टाइल रख सकते हो, कलर रख सकते हो, यहाँ पे मैंने कलर रख लिया, इसका वेट यानी चौड़ाई आपको कितना रखना है यहाँ पे रख सकते हो, और यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए आपका बॉर्डर बन के आ चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आर्ट में भी बॉर्डर दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ आइसक्रीम वगैरह दिया है, स्टार वगैरह दिया है, तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार ले लिया और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप कम रखोगे उतना ही ज़्यादा स्टार आएगा, जितना आप ज़्यादा रखोगे यहाँ पे आपका जो इसकी क्वांटिटी होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को और इसकी विड्थ को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। चलिए यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा आया, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ बने बनाए हैं और कुछ आर्ट हैं। चलिए ओके कर देते हैं। यहाँ पे आता है इंडेंट। इंडेंट आपने जहाँ पे रखा है बेसिकली इसको बोला जाता है इंडेंट, ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। ये मैंने जब होम पढ़ाया था, सॉरी बेसिक जो पढ़ाया था एमएस वर्ड का, उसमें मैंने बताया था ये आपका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन की सेटिंग करता है। ये आपका लेफ्ट इंडेंट है जो फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे के लाइन की सेटिंग करता है। एंड ये आपका है राइट इंडेंट जो आपके पैराग्राफ के एंडिंग पोजीशंस को सेट करता है। तो यहाँ पे इंडेंट को आपको यदि मूव कराना है लेफ्ट से राइट की ओर, तो इसके लिए होता है मीन्स लेफ्ट इंडेंट को मूव कराने के लिए राइट इंडेंट को मूव कराना है, तो ये आपका राइट इंडेंट मूव होगा। आपको स्पेस बिफोर यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर कराना है, तो ये आपका ऊपर की ओर से नीचे की ओर शिफ्ट होता है। और आफ्टर बिफोर मीन्स इस पैराग्राफ के नीचे वाले के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है पैराग्राफ की सेटिंग यानी इंडेंट की और स्पेसिंग की। इसके बाद यहाँ पे है पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं तो उसकी सेटिंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी वो मूव नहीं करता है, या फिर हम जो पोजीशंस पे रखते हैं वो हमारे टेक्स्ट छिप जाते हैं, या वर्ड आपके आगे पीछे हो जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि आपके जो वर्ड हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं, या बीच बीच मीन्स इसकी सेटिंग जो होते हैं उसके पोजीशंस को सेट नहीं कर पाते हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट या टेबल को या शेप को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्ले पार्ट अवेलेबल होता है, हमारे पास यदि पिक्चर नहीं है तो यहाँ पे हम क्ले पार्ट को ला देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ला दिया कार, वो करते हैं भाई, कार को अपडेट करो, बहुत पुरानी कार हो गई है ये। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सेट हो गया, देखिए हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, हो जा रहा है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका देखिए टेक्स्ट आपका इस तरीके से आ गया है। ये फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं पहले, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो आपका फर्स्ट लाइन में ही आ जाएगा जहाँ पे आपने कर्सर रखा था वहीं पे। स्क्वायर में इस तरह से आपका बॉक्स में आएगा और ये आपका मूव भी होगा, कभी कभी अगर मूव नहीं होगा ना तो आपने टेक्स्ट ड्रॉपिंग में जाके किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बेसिकली यहाँ पे टाइट से इस तरह से आपका बीच में आ सकता है, जहाँ पे भी आप रखोगे वो अपने टेक्स्ट को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। बिहाइंड टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट के पीछे आ गया है, हमारा टेक्स्ट छिप जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है, कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं ताकि हमें सेलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टॉप एंड बॉटम, मीन्स आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो ऊपर और नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आता है ट्रू, मीन्स उसी तरीके से कुछ कुछ सिमिलर टाइप्स में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप पोजीशंस डिसाइड कर सकते हो। ये तो रही बात आपकी टेक्स्ट शॉपिंग की, पोजीशंस देख लेते हैं। यहाँ पोजीशन से आप पेज को पे कहाँ पर वो पिक्चर्स या इमेज या शेप या टेबल कहाँ रखना चाहते हो तो वो पोजीशन डिसाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है करंट पोजीशन जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था, ये आपका ऊपर के लेफ्ट में रखना चाहते हो, टॉप के सेंटर में या टॉप के राइट में, तो यहाँ से कर सकते हो, सेंटर के लेफ्ट, सेंटर के सेंटर, सेंटर के राइट, इसी तरीके से बॉटम के लेफ्ट राइट, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो कि आप कहाँ पर रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अभी बॉटम वाला काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो कहाँ पर रखना चाहते हो। तो बस एक क्लिक से ही आपका इमेज या फिर जो फॉन्ट सॉरी क्लिप आर्ट टेबल रहेगा उस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट मीन्स होता है किसी भी शेप इमेज को ऊपर ले आना और सेंड टू बैक यानी पीछे भेजना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसी शेप पर, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे स्टार
यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं, सेव फिल कोई भी कलर कर दीजिए। और यहाँ पे हम एक और शेप ले लेंगे जो है ओवल, ओवल ही है, सर्कल नहीं है, इसको ओवल ही बोलते हैं ना, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम कलर कर देते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया है, इसको हमें पीछे भेजना है इस स्टार के। तो यहाँ पे आप चले जाओ प्रेज लेआउट में ही, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ सेंड टू बैक कीजिएगा, देखिए पीछे चला गया। और यदि आपने इसको आगे ले आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, आपका आगे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आता है अलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइन। तो अलाइन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम ढेर सारे ओवल को, चलिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट 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 पेस्ट, चलिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे इधर लगा दिया, और एक थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो अलाइन बेसिकली करता क्या है, देखिए हम इसको नीचे रखे हुए हैं, ये देखिए आपके बराबर में नहीं है, इसको भी हम इधर थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं भी थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइन क्या करेगा, यहाँ पे दिया है अलाइन टॉप पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्क दिया है, जो भी आपका अलाइनमेंट यानी सेप रहेगा वो टॉप से बराबर रहेगा। तो यहाँ तीनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्रेस करके, या कंट्रोल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी सेलेक्ट था। तो आपको क्या करना है, अलाइन टॉप यानी ऊपर से आपको तीनों को बराबर रखना है। यहाँ पे अलाइन टॉप पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए तीनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई शक नहीं है। इसी तरीके से यदि आपको बॉटम से बराबर रखना है तो ये आप कर सकते हो, ये देखिए नीचे से आपका बराबर नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे है। तो आपको तीनों नीचे से यानी बॉटम से बराबर रखना है, दोबारा से कंट्रोल प्रेस कीजिए और तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अलाइन सेट करते हैं बॉटम से, तो यहाँ से ये वाला आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे बॉटम से हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो तीनों आपका नीचे से बराबर हो गया। इसी तरीके से यदि आपको लेफ्ट या राइट से करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब तो आपको तरीका पता ही चल गया है, एक एक करके आप अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर हम एक और कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला सिलेक्शन, ये सिलेक्शन कंट्रोल प्रेस करके, और ये वाला, तो ये हम करेंगे लेफ्ट से। तो ये देखिए आपका लेफ्ट से हो गया, और राइट से अगर करना होगा तो राइट से। तो यहाँ पे अलाइनमेंट इसका सेट कर सकते हो एक एक करके। यहाँ पे आता है ग्रुप, यहाँ पे यदि आप किसी भी शेप को मूव करोगे तो ये बाय वन मूव होगा। इसको आपने अगर ग्रुपिंग बनानी है तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग भी बना सकते हो। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से कर लिया मैंने। अब इसका आपको ग्रुप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस कीजिए और सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट या शेप है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अब कभी भी मूव करेगा तो ये आपका साथ में ही मूव होगा, ये आपका एक सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपका सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो इस तरह से आपका मूव होगा ग्रुप में। यदि आपको अनग्रुप करना है, यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका अनग्रुप हो जाएगा। अब आपका सिंगल सिंगल आपका मूव होगा। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है रोटेट का ऑप्शन, किसी भी शेप को रोटेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा ले लेते हैं, ओवल एक्चुअली रोटेट होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई और यहाँ पे शेप ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम कोई कलर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम रोटेट करते हैं, 90 डिग्री राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, या फिर आपको मोर रोटेशंस ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, आप खुद से यहाँ पे रोटेशंस को ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। यहाँ कितनी डिग्री आपने लेना है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ 18 डिग्री, ओके कर दीजिएगा, 18 डिग्री पर आपका रोटेट हो गया है। तो ये है आपका पेज लेआउट का ऑप्शन। एक बार फटाफट हम रिपीट करेंगे, मार्जिन आपके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में कितना आपको जगह छोड़ना है इसके लिए यूज होता है मार्जिन। ओरिएंटेशन आपको पेज को वर्टिकल रखना है या आपको लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल रखना है, यहाँ से आप डिसाइड करके रख सकते हो पेज। टू ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, याद रखिएगा। आपको प्रिंटआउट किस पेज पे करना है, यहाँ पर आपकी साइज को सेट कर सकते हो। कॉलम, यदि आपको पैराग्राफ को कॉलम वाइज दिखाना है 1 2 3, यहाँ पे आप कॉलम डिसाइड कर सकते हो। यदि आपको थोड़ा सा नीचे का आपको प्लेस छोड़ना था और आपने नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे पेज ब्रेक द्वारा मैटर को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपने लाइन की नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे लाइन की नंबरिंग कर सकते हो। हाइफेनेशंस, या हाइफेनेशंस मार्क लगाने से जो हमारा वर्ड रहता है
वो आपका नीचे शिफ्ट हो जाता है। हाइफ़िन मार्क इस मार्क को बोला जाता है, कुछ इस तरह से डैश जैसा दिखता है। वॉटन मार्क का यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोई भी हमारी पेज की कॉपी ना कर पाए। दो टाइप्स के वॉटन मार्क का हम यूज़ करते हैं, एक पिक्चर्स वाटर मार्क और एक टेक्स्ट वाटर मार्क। डायगोनल जो कॉर्नर से कॉर्नर जाता है, हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट से राइट की ओर टेक्स्ट मार्क को वाटर मार्क को अप्लाई करता है। पेज कलर, पेज कलर को अप्लाई कर सकते हो। पेज कलर में बहुत सारे फील इफेक्ट दिए रखे हैं, जैसे ग्रेडियंट, टेक्स्चर, पैटर्न और पिक्चर। याद रखिएगा, यहाँ पे यदि इस तरीके से आप सेट करके प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो प्रिंट प्रीव्यू में ये पेज कलर आपके नहीं दिखते हैं। पेज बॉर्डर, यदि आपको बॉर्डर लगाना है तो यहाँ कुछ बॉर्डर स्टाइल दिए रखे हैं। इसके अलावा आप आर्ट यहाँ पे दे रखे हैं, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंडेंट को आपने मूव करना है लेफ्ट और राइट को, तो ये आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, ये राइट इंडेंट, जिससे आपका राइट की ओर वर्ड जाएगा, जो लाइन रहती है वो जाएगा, इंडेंट जाएगा और ये राइट से लेफ्ट की ओर। स्पेसिंग, यदि आपको नीचे के पैराग्राफ को मूव करना है तो दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस देता है। पोजीशन, यदि आपको किसी टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को या शेप को उसका पोजीशन डिसाइड करना है तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली 9 पोजीशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 9 पोजीशन। ब्रिंग टू फ्रंट, यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर ले आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, यदि नीचे ले जाना है तो आपका बैक। टेक्स्ट ड्रॉप मैंने बताया ही ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को सेट करने के लिए। अलाइंट, यदि आपको किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से आपको अलाइनमेंट उसका सेट करना है, उसके लिए दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए ग्रुप का यूज़, और रोटेशन के लिए यहाँ पे इस तरह के यूज़ कर सकते हो। हमने आज क्या सीखा कि पेज लेआउट द्वारा पेज के सेटिंग कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, कलर से रिलेटेड हो, शेप ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसके अलाइनमेंट से रिलेटेड हो, तो इस तरह से हम पेज लेआउट की सेटिंग कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस द्वारा। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तभी कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।